How are you feeling? I hope you are feeling good. Now a rainy season, you are enjoying rain. I also enjoy rain. Now we are discussing function. What is function? What is representation of function? Now we want to discuss domain of function. That is the most important topic. If you ask the plus two student what is the difficult topic, it is the domain according to them. Therefore, you see carefully these questions. वेलकम अगेन टू AVM ऑनलाइन क्लासेस. इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है बेटा. डोमेन, इनका डोमेन निकालना है. आज हम यही करेंगे. डोमेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी. देखो बच्चे क्या है डोमेन में, आपको दो कंडीशन याद रखनी है. क्या रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस हो गया, जैसे माइनस फाइव आ गया तो इसको हम इससे रूट फाइव इंटू रूट माइनस वन और दैट इज इक्वल टू आइटा. रूट माइनस वन इसके इक्वल होता है भाई, आइटा के इक्वल होता है. और आइटा एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जबकि हम एक रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं. इसलिए यहाँ पर अभी हमने कि रूट के अंदर हो तो माइनस नहीं होना चाहिए और अपॉन में हो तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में जीरो हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड. इन दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे हम. इन दो कंडीशन से ध्यान रखते हुए हम ये जो एट के छह पार्ट में राइट कर रखे हैं तो आप उनको देखेंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे. क्या रूट में हो तो माइनस नहीं हो और अपॉन में हो तो जीरो नहीं हो, इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान करेंगे. देखो ये रूट में है तो माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होनी चाहिए. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बेटा जितने पार्ट हो सकते हो, लीनियर फैक्टर हो सकते हो, लीनियर फैक्टर कीजिए. इसमें हमने x को ले लिया x माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू जीरो, याद है बेटा. अब इसको हम वेवी क्रव मेथड से करेंगे. किससे, वेवी डब्ल्यू ए वी वाई वेवी क्रव मेथड. वेवी क्रव मेथड क्या होता है भाई, पहले हम एक लाइन ले लेंगे, रियल लाइन. क्या लाइन ले लेंगे, आप रियल लाइन, ठीक है. आप बेटा यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो जीरो पे जीरो हो रहा है तो एक जीरो ले लिया हमने, एक थ्री पे जीरो हो रहा है तो एक थ्री ले लिया. तो इस रियल लाइन के तीन पोर्शन हो गए, एक तो जीरो से लेस, एक जीरो से थ्री के बीच में और एक थ्री से ग्रेटर. अब बेटा इससे पहले हमें दो एक और पहले याद होना चाहिए आपको, व्हाट इज क्लोज इंटरवल, वट इज ओपन इंटरवल. क्लोज इंटरवल वो होता है जिसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं, जैसे ए और बी है तो ये एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस इक्वल टू बी, ये इंक्लूड होगा. और ओपन इंटरवल वो होता है जो इंक्लूड ना हो, ये इंक्लूड ना हो, तो दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. तो हमारे पास वेवी क्रव मेथड है भाई. अब जीरो से लेस, जीरो से लेस कोई वैल्यू ले लो, कोई भी जीरो से वैल लेस कोई भी ले लेते हैं, माइनस वन लेते हैं आप. तो ये माइनस वन लिया, रफली रख के देखेंगे हम, माइनस वन माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस माइनस क्या देगा, प्लस का आ गया, पॉजिटिव आ गया भाई. तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव. अब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो अगले में नेगेटिव आएगा, चलिए रख देख लेना आप. अब जीरो से थ्री के बीच कोई वैल्यू ले लो, टू लिखे आपने, टू रखा तो टू टू माइनस थ्री माइनस वन क्या आएगा, नेगेटिव.
तो नेगेटिव आ गया, नीचे लिख देते हम, और फिर अगले में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे चलता है, पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव पर्सन चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। तो कहाँ कहाँ से आता पॉजिटिव, एक तो इसमें आया और एक इसमें, और इक्वल साइन है तो यानी कि जीरो और थ्री इंक्लूड होगा। तो क्या आएगा आंसर, यह आएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो इंक्लूड है भाई ये। और कहाँ से कहाँ तक, थ्री से इन्फिनिटी, थ्री से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, इसलिए ओपन इंटरवल का साइन लगता है इनमें। यहाँ पर ये इक्वल साइन है तो जीरो और थ्री इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो इसको आंसर लिखते हैं आपा इन दोनों का यूनियन, यानी दोनों को आपा मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ऐसे हमारे पास बेटा क्या क्या लिखेंगे आपा इसको, यूनियन। अब बच्चे देखो, इसी को आप ऐसे लिखते हैं क्या, कि भाई पूरी रियल लाइन में से जीरो और थ्री इंक्लूड नहीं है, तो जीरो और थ्री इंक्लूड नहीं है। इसका कन्वर्स, क्लोज का अपोजिट ओपन, क्लोज का अपोजिट ओपन। तो ये चाहे ऐसे लिख दो आंसर, चाहे ऐसे लिख दो आंसर, दोनों ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। कभी आप ऐसे लिख दो तो उनको जी आंसर नहीं मिला, आंसर मिल जाएगा। ओके, ऐसे कला देखो फिर, और देखिए बेटा इसको देखिए ध्यान से, 2x माइनस 2x स्क्वायर, वही रूट के अंदर है भाई, तो क्या होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर या इक्वल, माइनस होना चाहिए भाई। फिर अगला स्टेप क्या कहा, कि जितने फैक्टर हो सकते उतने फैक्टर कीजिए। तो x को हम ले लिया हमने 2 माइनस 2x को ले लिया, तो क्या आया 1 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब रियल लाइन लो भाई, ले लिया हमने, कहाँ कहाँ जीरो रहा, एक तो जीरो पे और एक वन पे, ठीक है। अब जीरो से लेस कुछ भी ले लो, कुछ भी, माइनस वन लिया तो माइनस वन, माइनस माइनस प्लस का वन, टू, क्या आया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नीचे लिख दो भाई, ये नेगेटिव आया तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आया तो ये क्या आएगा नेगेटिव। ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में आएगा, अल्टरनेट में मतलब चेंज होता रहेगा। अब बेटा यहाँ पर है, अब हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए भाई, तो पॉजिटिव कहाँ से है, जीरो से वन, और ये इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल साइन है, तो आंसर क्या आएगा जीरो से वन, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। ऐसे अगला देखो फिर, रूट के अंदर है भाई, रूट के अंदर है तो क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि थ्री माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई। फिर आप क्या करोगे, माइनस को हम ले लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब तक क्या करेंगे, ये माइनस साइन चेंज करोगे, देखो वी नो दैट फोर थ्री से ग्रेटर होता है, क्या माइनस फोर माइनस थ्री से ग्रेटर होता है, नो, तो साइन चेंज हो सकता है, तो दोनों तरफ अपन माइनस साइन लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर कीजिए भाई, तो फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, ये आएगा फैक्टर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब वही आप रियल लाइन लेंगे, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा भाई, एक तो वन पे और एक माइनस थ्री पे, तो माइनस थ्री और वन। अब माइनस थ्री से छोटी कोई वैल्यू ले हो भाई, माइनस फोर लिया तो माइनस फोर रखा, इसे माइनस फोर में थ्री गया माइनस वन, माइनस फोर और वन माइनस फाइव, क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव क्या गया पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। ये मन में ही सोचना है, ये करके स्टोर नहीं करना हमने। अब यहाँ पॉजिटिव आया तो अगले में क्या आएगा नेगेटिव, अगले में क्या आएगा पॉजिटिव, ऐसे आ गया हमारे पास। फिर इसको वेवी कर्व इसलिए कहते हैं कि कई बुकों में ऐसे वेव बना रखी है, ऐसे ऐसे ये वेव बनाते हैं, नेगेटिव है नीचे तरफ फिर पॉजिटिव तरफ, ऐसे ऐसे कईयों में वेव बना रखी है ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
तो यहां पॉजिटिव है, हमें चाहिए क्या? नेगेटिव। नेगेटिव किसमें है? माइनस थ्री से माइनस वन में। तो आंसर क्या आएगा? माइनस थ्री से माइनस वन। और माइनस थ्री और माइनस वन इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल साइन है। इक्वल साइन नहीं होता तो ये ओपन इंटरवल होता, यहाँ शामिल है तो ये क्या आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा, माइनस थ्री टू माइनस वन। ओके, ऐसे यहाँ पर अगला है, अपॉन में तो जीरो नहीं होना चाहिए भाई, तो एक्स माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी? फाइव नहीं होगी, यानी कि और कुछ भी हो सकती है फाइव को छोड़ के। तो आंसर क्या लिखते हैं? रियल में से फाइव डाल दो भाई, दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया कि फाइव नहीं आएगा ना, तो आप फाइव में छोड़ के डोमेन मीन्स आप क्या क्या पुट कर सकते वैल्यू, तो आप फाइव नहीं पुट कर सकते, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो, आपकी चॉइस है। ऐसे यहां पर अपॉन में है तो क्या होगा? नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, तो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फैक्टर करो, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? फोर, और वन के इक्वल नहीं होगी भाई, तो इसके अलावा यानी कि रियल में से फोर और वन हटा दोगे, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब जैसे यहां पर है, अब ये दोनों चीज आ गए, रूट में भी आ गया, अपॉन में भी आ गया। अब रूट में है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी कि भाई अपॉन जीरो से क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल, तो वन माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता, लेकिन यहां पर अपॉन के कारण जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो ये आएगा वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर वन ग्रेटर देन क्या आएगा? एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू वन से लेस होगी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कि भाई वन से लेस, माइनस इन्फिनिटी से वन, और इक्वल साइन नहीं है तो ये ओपन इंटरवल आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से वन, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको पहले एक बार राइट डाउन कर लो आप, हो गया। अब थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कम ही क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनके रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, कुछ एग्जांपल हैं और इससे अगला क्वेश्चन भी है, कल हम रेंज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।